तैमूर की हार। गांव के एक छोटे से घर का दृश्य। अब मत जाना दूर दूर, उठ रही है पश्चिम में धूर, उठ रही है पश्चिम में धूर। यह तुम क्या गुनगुना रही हो माँ? इस पत्थर पर मेरा चाकू तेज नहीं हो रहा है। क्या तेरा चाकू भी मेरा गाना सुन रहा है? पर आज चाकू तेज करने की तुझे क्या सूझी? आज तो तेरी वर्षगांठ है। वर्षगांठ? मेरी वर्षगांठ पर तो हथियारों की पूजा होनी चाहिए माँ। पूजा? हाँ तो माँ, क्या यह वर्षगांठ वैसी होगी जैसी पिछले वर्ष हुई थी? हाँ बिल्कुल वैसी ही। इस वर्षगांठ पर तू पूरे 12 वर्ष का हुआ। बेटा मैं तो आशीर्वाद देती हूँ कि इसी तरह बहुत सी वर्षगांठ मनाई जाए, तू दिन दूना रात चौगुना बढ़े। इसीलिए तू गाना गा रही थी माँ। कैसा है वो गाना? डर का गाना है। अब तो वह जमाना बीत गया। बरस हुए जब महमूद गजनवी आया था। अच्छा? कहते हैं वह गजनी से आया था। उसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा और बहुत से आदमियों का खून बहाया। फिर बहुत सा धन लेकर वह यहाँ से चला गया। बेटा आज तो तेरी वर्षगांठ है, तो सब कुछ भूल जाओ। माँ बतलाओ आज वर्षगांठ में क्या क्या करोगी? क्या करूँगी? अपने प्यारे बेटे को नहलाऊंगी, फूलों की माला पहनाऊंगी। फिर आज मैंने तेरे लिए अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाई है, देख उस कोने में रखी हुई है। मिठाइयों के साथ खीर खिलाऊंगी, तुझे आशीर्वाद दूंगी। बस दूध भर आ जाए, खीर बनने में देर ही क्या लगती है, पानी उबल ही रहा है। अभी दूध नहीं आया? सूरज चढ़ आया, अभी तक सुजान दूध लाया ही नहीं। जाने क्यों नहीं लाया? मैं ले आऊं। सुजान आता होगा बेटा, तू कहाँ जाएगा? मेरा भोला बच्चा बलकरन अभी से कैसी बातें करता है। बलकरन मेरा बेटा। तुरक आ गया, तुरक आ गया, भागो भागो, तुरक आ गया। पागल हो गए हो क्या? तुरक कहाँ से आ गया? बहन भाग चलो, जल्दी जल्दी, वो तैमूर आ गया, मैंने अपनी आँखों से देखा है, लूटते हुए आ रहे हैं वो लोग, हम लोग मरे, चलो बहन। अरे कैसा तैमूर, कहाँ का तैमूर? तुम नहीं चलोगी? वो आया, वो आया। बहन कल्याणी सब कुछ छोड़कर जल्दी से भागो, तभी जान बचेगी। जंगल में छिप जाओ, नहीं तो घर के तलघर में ही चलो। चलो मेरे साथ, समय नहीं है। बलकरन? मेरा बलकरन तो अभी नहीं आया, उसे छोड़कर मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। कहाँ गया बलकरन? वह दूध लेने गया है सुजान के घर। सुजान के घर? तब उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सुजान का घर खास रास्ते से हटकर दूर कोने में है, वे लोग सीधे रास्ते ही चले आ रहे हैं, तुम तलघर में छिप जाओ। कोई नहीं, कमबख्त सब भाग गए, तख्त के नीचे भी कोई नहीं है। मुबारक, इस वक्त आदमियों को कत्ल करने का हमारा उतना मकसद नहीं है जितना सोना चांदी लूटने का है। इस घर में देखो कहीं है? कहीं कुछ नहीं है सरदार, मामूली सी झोपड़ी है, इसमें सोना चांदी कहाँ? कुछ बर्तन मालूम होते हैं सरदार। सरदार सरदार है, यह है सरदार। बढ़िया खाना, तरह तरह की मिठाइयाँ। ओह बिल्कुल ताजा, गरम। हाँ गरम मिठाइयाँ है, लो तुम लोग भी तो भूखे होगे। सरदार नोश फरमाइए। मैं खाऊंगा, लो तुम लो, अच्छी मिठाइयाँ हैं। लो अलीबेग तुम भी लो। चुप रहो कमबख्तो, मैंने अफगानिस्तान के बाद हिंदुस्तान की ओर रुख इसलिए नहीं किया था कि मेरे सिपाही दौलत लूटने के बदले खाना ढूंढते फिरे। मैंने क्या हुक्म दिया था सरदार? हुजूर ने हुक्म फरमाया था कि आज शाम तक अमरकोट पहुंच जाना है। हम लोग आली जहां से माफी मांगते हैं, माफी अता फरमाई जाए। हरगिज नहीं, गाजी तैमूर कुसूर को माफ करना नहीं जानता। सरदार तुमने तो हुक्म उदूली की है, उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मैं तुम्हारा नाम जफर अली, आज शाम को तुम्हारी सजा
तजवीज की जाएगी। अभी मैं तुम्हें तुम्हारे पद से हटाता हूँ, समझे? हुजूर का हुक्म। जाओ, शाम तक अमरकोट पहुँचने का मेरा हुक्म पूरा हो, जाओ। माँ, माँ, मैं दूध ले आया। दूध? यह सब क्या? ए, तुम कौन? माँ, माँ, मेरी माँ कहाँ है? इस तरह मेरे घर में घुस आने वाले तुम कौन हो? खामोश गाजी, तैमूर से यह नाचीज सवाल करता है कि कौन हो कमबख्त। अगर बात पूछने की तमीज नहीं है तो खामोश रहो। लेकिन ठहर, वह दूध इधर ला, इस वक्त खुदा ने मेरे लिए भेजा है। यह दूध यह मेरी वर्षगांठ के लिए है। साफ जबान में बात कर, जो समझ आए सामने दूध हाजिर कर। दूध मेरा है कि नहीं? अब तुझे तलवार से काट दूं? क्या क्या तुम मेरा खून बहाना चाहते हो? मेरी माँ यही कहती थी। तू बड़ा निडर मालूम होता है, सामने आ, मेरी तलवार से कटने का फक्र हासिल कर। मेरे पास सिर्फ एक चाकू है, मेरे हाथ में भी तलवार दो। उफ, तू मुझसे दो हाथ लड़ने का हौसला भी रखता है? अच्छा, पहले दूध पीऊंगा, गला सूख रहा है। मेरी तलवार? तुम्हारी तलवार अब मेरे हाथ में है, अब तुम मुझसे लड़ सकते हो। सामने आओ। सामने आओ? शाबाश, लेकिन मेरी तलवार तुमसे संभल नहीं सकेगी। बच्चे इधर रह। जैसे दूध छीन लिया था वैसे तलवार भी छीन लो। तो अब तुझे ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रखूंगा। यह रही मेरी तलवार। छीन ली, लेकिन यह बहादुरी नहीं, मेरे पास चाकू है, उसी से लड़ूंगा। चाकू से लड़ेगा? चाकू से? हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने इसे तेज किया है, देखो यह कितना तेज है, मेरी उंगली से खून निकाल सकता है। शाबाश, तैमूर के दिल में रहम नहीं, लेकिन तेरी बातें सुनकर मैं तेरी जान बख्शता हूँ और तेरी एक मुराद पूरी कर सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, तू मेरा छोटा सा बहादुर दोस्त है, चाकू वाला, और इस हैसियत से तेरा मुझ पर हक है। तो मेरी माँ कहाँ है? मैं नहीं जानता, मेरे सिपाहियों ने तेरी माँ को कत्ल भी न किया होगा, उनकी तलवारों पर खून का एक धब्बा नहीं था। आप मेरी मुरादें पूरी करेंगे तो फिर आपसे मैं यही चाहता हूँ कि आप हमारे गांव से बाहर चले जाएं। मंजूर, मैं दूसरे गांव जाऊंगा, अपने छोटे बहादुर दोस्त की मुराद पूरी करूंगा। तेरा दूध और चाकू मुझे हमेशा याद रहेगा। तैमूर खूंखार है लेकिन बहादुरी को सलाम करता है। बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम। तैमूर बहादुरी को सलाम करता है। बेटा, बेटा बलकरन। ऐ माँ, तू रोती क्यों है? तू कहाँ थी? बेटा, तैमूर के सिपाही आए थे, उनसे बचने के लिए ठाकुर दादा मुझे तलधर में खींच ले गए थे। तुझे तो कुछ नहीं हुआ बेटा? कहीं चोट तो नहीं आई? देखो, ओह, ये खून! उसने नहीं निकाला, मैंने ही उंगली चीर कर गिराया है। तेरी उंगली से खून तो अभी तक निकल रहा है बेटा। उसकी कुछ चिंता नहीं है। माँ, तैमूर कहता था तेरा चाकू मेरी तलवार से भी तेज निकला। क्या तूने चाकू से उस पर वार किया था? नहीं माँ, मैं लड़ना चाहता था पर वही मीठी मीठी बातें करने लगा, इस तरह चलता था। तैमूर खूंखार है लेकिन बहादुरी को सलाम करता है। बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम। वाह, तू तो बिल्कुल तैमूर ही बन गया। मैं लंगड़ा नहीं बनना चाहता माँ। हाँ हाँ, लंगड़ा कभी ना बने, तू सब तरह से फूले फले, तेरी उम्र दिन दूनी रात चौगुनी हो। भगवान को हजार हजार धन्यवाद है कि उसने मेरे बच्चे की तैमूर से रक्षा की। यह सब तेरा आशीर्वाद है माँ। हाँ बेटा, आज तेरी वर्षगांठ है ना? तुरक के सिपाहियों ने सारा घर तोड़ फोड़ डाला, तेरे लिए मैंने कितनी अच्छी मिठाइयाँ बनाई थी, सब नष्ट हो गयी। अब तेरी वर्षगांठ कैसे मनाऊँ? अपना आशीर्वाद भर दे, दे माँ। और क्या? और तू चंदन लगाने के लिए कहती थी ना, मेरी उंगली से खून का रक्त चंदन बना ले। धन्य मेरे लाल, घर तरह से फूले फले,
तेरी उम्र दिन दूनी रात चौगुनी हो। भगवान को हजार हजार धन्यवाद है कि उसने मेरे बच्चे की तैमूर से रक्षा की। यह सब तेरा आशीर्वाद है माँ। हाँ बेटा, आज तेरी वर्षगांठ है ना। तुरक के सिपाहियों ने सारा घर तोड़ फोड़ डाला। तेरे लिए मैंने कितनी अच्छी मिठाइयाँ बनाई थी, सब नष्ट हो गयी। अब तेरी वर्षगांठ कैसे मनाऊँ? अपना आशीर्वाद भर दे, दे माँ। और क्या? और तू चंदन लगाने के लिए कहती थी ना, मेरी उंगली से खून का रक्त चंदन बना ले। धन्य मेरे लाल, घर घर में ऐसे लाल हो।